I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. आओ आओ श्रद्धानंद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कल रात तुम ये चाबियां अपने कमरे में भूल आए थे। मिस्टर आचार्य, जरूरत से ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत करो। अब इसे तुम मेरा ड्रामा समझो या अपना भाग्य, भगवान की क्या इच्छा है किसे मालूम। वैसे भाई मैं तो तुम्हारा फैन हूं। तो फिर गुरु बनने का ख्याल छोड़ दो आचार्य, भाषण से मुझे सख्त नफरत है। तुमसे 10 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। वेद कुरान गीता हर शास्त्र के हर पेज की हर लाइन से वाकिफ हूं मैं। हजारों साल पहले वो आदमी कितना चालाक होगा जिसने ये दो शब्द बनाए, भाग्य और भगवान। भगवान शब्द बच्चे को डराने के लिए बनाया ताकि वो इस खौफ से डर कर उस आदमी के बनाए हुए उसूलों उस आदमी की मर्जी पर चलता रहे। और भाग्य, भाग्य जब बच्चे को नाकामयाबी मिले वो उसे अपना भाग्य समझ के अपने आप को तसल्ली देता रहे। दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज ऑल फेक। मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ आचार्य। समझते हो कि सब समझता हूँ, इससे बढ़कर इंसान की ना समझी और क्या हो सकती। I have told you not to teach me anything. I am not trying to teach you. Would you care to see what I want to show you? इसे पढ़ो। भगवान कुछ भी नहीं, एक इंसान है जो महान है। भक्ति कुछ भी नहीं, एक शक्ति है। कर्म कुछ भी नहीं, एक कर्तव्य है। प्रेम कुछ भी नहीं, एक आनंद है। ये आनंद अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें उससे, मुझसे, हर एक से प्रेम करना होगा। 10-12 साल पहले मेरे गुरुदेव यहीं बैठा करते थे, मालूम है। और जाने से पहले वो इन पत्थरों पर ये सब कुछ लिख गए थे। इसलिए लिख गए थे ताकि गांव वाले हमेशा याद रखें। मगर इन भोले भाले अनपढ़ गांव वालों ने इन पत्थरों को एक मामूली दीवार समझकर इन पर गोबर सुखाना शुरू कर दिया। और इसकी गहराई, इसका मतलब सब यहीं दबकर रह गया। इसी तरह तुम्हारे प्यार भरे दिल पर क्रोध की एक परत जम गई, उसे मैं निकालकर बाहर फेंक देना चाहता हूं। ये आलू मेथी की सब्जी जरूर खाना, कृष्णा ने बनाई है। जानता हूं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो क्या बुरा कर रहा हूं? इट्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। आप क्या चाहते हैं, गांव वालों को मैं धोखा दूं, उनसे झूठ बोलूं? मैं महापुरुष नहीं, नहीं। कितने कितने खून किए मैंने, कितने खून, ब्लड ब्लड ब्लड, जस्ट ब्लड शेड। दो साल पहले सरकार ने मेरे नाम मौत का ऐलान किया था, इस पर भी चाहते हैं कि मैं? हां मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे गुणों और आत्मा को सिर्फ मैं पहचानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी भयानक तुम्हारी जिंदगी थी उतनी ही सुंदर तुम्हारी मौत भी हो। तुम्हारा जन्म दूसरों का खून करने के लिए नहीं बल्कि उनके लिए अपना खून बहा देने के लिए हुआ है। ये सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने देखा है एक मसीहा छुपा हुआ तुम्हारे अंदर। मसीहा? मैं? पटा रहा है, अभी पटा रहा है। यात्रा सफल हो आचार्य जी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी।
मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। देर आए दुरुस्त आए। बोलो विक्टर। आचार्य जी, डैम का प्लान है। अरे भाई, दो दिन के बाद तो रोहतपुर से वापस आ रहा हूँ। वापस आकर प्लान देख लूंगा। काम तो तुम सब लोगों ने मिलकर ही करना है। शरदानंद, सब लोग मेरे लिए फूल लाए, तुम नहीं लाए। ये लो, ले लो ये फूल। चंद घड़ी के लिए जीते हैं और सब जगह अपनी खुशबू पहुंचाकर मुरझा जाते हैं। फूलों जैसा जीवन किसी किसी को नसीब होता है। तुम समझदार हो, जो कुछ भी करना सो समझ कर करना। मैं तो जा ही रहा हूं। क्या बयान दिया है मुक्तानंद जी? जैसा आचार्य जी का हुक्म था। बहुत अच्छा किया आपने। आचार्य जी ने कहा है रोहितपुर के आश्रम में 6-7 महीने आराम करें। जैसी उनकी आज्ञा। श्रद्धानंद जी, कैसे हो? कृष्णा, कैसे दिखता हूं? ये लीजिए। ये किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? आप मेरे दोस्त बनेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप आश्रम छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? ये क्या, संध्या तो हुई नहीं? ये आश्रम की घंटियां क्यों बजने लगी? चलो देखते हैं। क्या बात है दीनानाथ जी, आप सब इस तरह क्यों देख रहे हैं? कोई कसूर हुआ मुझसे? श्रद्धानंद जी, आचार्य जी ने रोहितपुर में अपना शरीर त्याग दिया। आचार्य जी संसार छोड़ने से पहले अपनी अंतिम इच्छा इस चिट्ठी में लिख गए हैं। आज मेरे संसार छोड़ने का समय आ गया है। मेरी अंतिम और हार्दिक इच्छा यही है कि मेरे मरने के बाद आचार्य की गद्दी का स्थान सिर्फ एक ही आदमी को दिया जाए, जिसका नाम है श्रद्धानंद। यू आर अ चीट, यू आर अ बास्टर्ड। तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो, झूठे हो। अगर तुम ये समझो ऐसा करके तुमने मेरे साथ चालाकी की है, होशियारी की है, तो तुम गलत हो, सरासर गलत हो। तुम इस तरह छोड़कर मुझे नहीं जा सकते। तुम अच्छी तरह जानते थे ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। ये मेरी फितरत नहीं, मेरा रास्ता नहीं, मेरी मंजिल नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है आचार्य। तुम मुझे प्यार देकर प्यार सिखाना चाहते हो? मैं प्यार नहीं कर सकता आचार्य, मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं प्यार नहीं कर सकता। हे भगवान। दीनानाथ जी, ये लोग नए आचार्य जी के दर्शन करना चाहते हैं। आचार्य जी कुछ दिनों के लिए समाधि पर बैठे हैं, वो आप लोगों से नहीं मिल सकते।
एक डाकू था, खूनी, क्रोधी। एक दिन कानून के डर से वो डाकू भाग निकला। भागते भागते जंगलों में अकेला, भूखा प्यासा, किसी साए की तलाश में भटकने लगा। तब उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, आओ मेरे साथ रहो मंदिर में, बड़ा आनंद है वहां। डाकू ने कहा कि जानते हो मैं कौन हूं? साधु ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहा, हां भाई मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम एक डाकू हो, लेकिन तुम्हारे में और मेरे में फर्क ही क्या है? तुमने भी संसार त्याग रखा है, मैंने भी। तुम्हारी आंखों में भी वही बात है जो मेरी आंखों में। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बेचैन हो, मैं शांत हूं। तुम कुछ ढूंढ रहे हो, मैं कुछ पा रहा हूं। फर्क सिर्फ अपने आप को पहचानने का है। आइए आज आप सबसे मेरी भी जान पहचान हो जाए। सुशील बहू है हमारी। आओ बेटे, आओ, आओ बेटे। आचार्य जी, इस निखट्टू को भी समझाइए कुछ काम धाम किया करे। मिसेस कुमार साहनी, मैं पूछ सकता हूं कि कौन सी कहानी सोची जा रही है? कुमार, हाँ? क्या तुम महात्मा लोगों पर विश्वास रखते हो? हमेशा नहीं। हाँ, अगर वो सही मानों में टीचर हैं, शिक्षक हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो कमर्शियल हैं और माल कमाने के लिए गरीब अनपढ़ लोगों के नजरों में धूल डालने के लिए गुरु बन बैठे हैं तो गड़बड़। अगर ऐसा ही गुरु किसी को मिल जाए तो उसे फौरन पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए। लेकिन तुम ये बोरिंग सब्जेक्ट लेकर क्यों बैठी हो? हाँ, आज बाबूजी के साथ उस गुरुजी से मिली नहीं इसलिए। अजी हटाओ यार, रात हो गई है, कुछ बात करो। और फिर आज तो हमारी पहली रात है। हटो, तुम्हें तो हर रात पहली रात लगती है। हाँ, लोकेशन चेंज, सिचुएशन चेंज, शहर बदला, रात बदली। क्या बदली? तुम बदली। कुमार, मीरा, कल से तुम्हें यहां बाबूजी के साथ रहना होगा और कल मुझे बंबई जाना होगा। बड़ी याद आएगी तुम्हारी। मुझे वहां जल्दी वापस बुला लेना, मेरा मन। मन तो तुम्हारा मेरे नजदीक है, मेरे करीब है। नहीं करीब, कितने करीब। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.